जब भी हमें लगता है कि जो भी हो रहा है ये गलत है, चीजें सेंस नहीं बना पा रही, लाइफ में कोई सेंस नहीं है, तो आदमी भटक जाता है, खुद से ही हार जाता है। इसी थीम को लेकर आज ही हमारी मूवी आती है, जिसमें एक लड़की एक गैंगस्टर के प्यार में पड़ती है। इसके आगे क्या होता है ये हमारी आज की मूवी लॉस्ट गर्ल्स एंड लव होटल 2020 की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी में हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है मार्गरेट, इसे एक टनल से जाते हुए देख सकते हैं। ये बहुत ही ड्रंक है और उसका कोई पीछा कर रहा था। उसने सिगरेट निकाली तो उस सिगरेट को जलाने के लिए वो आदमी उसके पास आ गया था। उसे कहती है मुझे होटल लेकर चलो। ये सीन यही खत्म होता है और कुछ दिन पहले के फ्लैशबैक में अब हमारी मूवी चलेगी। मार्गरेट हमसे कहती है कभी कभी मुझे लगता है किसी भी स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग नहीं है, चीजें बहुत ही मेसी है और वो सेंस नहीं बना पाती। मार्गरेट एक फ्लाइट अटेंडेंट्स के स्कूल में पढ़ाती है, उसका जॉब जापान में है तो वहाँ की लड़कियों को सही तरीके से चीजें प्रनाउंस करना सिखाती है। वो कल रात बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी और हैंगओवर होकर ही अपने जॉब पर आई। उसकी एक स्टूडेंट है जो उसे एज ए टीचर बहुत पसंद करती है। वो स्टूडेंट उसे कहती है कि तुम्हारा आउटफिट बहुत अच्छा है, कल रात मार्गरेट जब बाहर गई थी उसने जो कपड़े पहने थे वही पहनकर यहाँ आई हुई है, इसका मतलब है रात भर वो घर ही नहीं गई, यही टॉयलेट में जाकर अपना आउटफिट वो चेंज कर लेती है। यहाँ की बॉस ने यह सब नोटिस किया, उसे पूछा क्या तुम ठीक हो, मार्गरेट कहती कि मैं ठीक हूँ और फिर वो अपना जॉब कंटिन्यू करती है। मार्गरेट एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में अकेली रहती है, हर रात अपने फ्रेंड्स के साथ बार में हैंग आउट करती है। उसके एक फ्रेंड का नाम है एग्नेस और दूसरे का लियम। ये आज रात भी बार में ड्रंक होकर उनसे कह रही थी ये एक्चुअल में ड्रंक होना कैसा होगा, यानी कि इतना ड्रंक कि आप चल फिर भी ना पाओ। इसके बाद जब वो टॉयलेट गई तो वहाँ एक आदमी से टकराए, उसके साथ ही वो इंटीमेट हो जाती है। बाद में उसने अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन किया, ये फिर से ड्रंक हुए। रात में जब मार्गरेट और उसका फ्रेंड लियम अकेला था तो लियम उसे पूछता है कि तुम कभी मुझे क्यों नहीं डेट करती, तुम कभी मुझे भी कहीं लेकर जा सकती हो। उसके पास आ गया था, मार्गरेट कहती है कि मैं तुम्हें एज अ ब्रदर देखती हूँ। यही रास्ते पर उसने हमारे और एक मेन कैरेक्टर को नोटिस किया, जिसका नाम है यकुजा। मार्गरेट ने कहा उसकी लाइफ में उसने देखा हुआ यकुजा इस सबसे ब्यूटीफुल आदमी है, यही चीज वो बाद में मूवी में भी कहती है। यकुजा भी उसे नोटिस करता है। सिग्नल खत्म हुआ और ये दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बहुत रात हो चुकी थी, उसके फ्रेंड्स घर पर चले गए पर वो घर नहीं गए, अलग जगह पर जाकर फिर से ड्रंक होने लग गए। इसी बार में वो किसी और आदमी से मिलती है, दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया और वो फिर उसे डायरेक्टली होटल लेकर आया। ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो मार्गरेट कहती है इससे मुझे बॉन्ड करो, यानी कि उसके हाथ पर पट्टियां इस तरह की चीजें उसे अच्छी लगती है। ये आदमी उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, ये नहीं कर सकता तो वहां से चला जाता है। मार्गरेट आज रात भी घर नहीं गई थी तो वैसे ही अगले दिन अपने जॉब पर आई, पूरी तरीके से हैंगओवर थी, वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। उसके बॉस ने देखा तो कहती है कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों ना तुम घर चली जाओ। मार्गरेट फिर वॉशरूम गई तो उसके पास उसकी बॉस आती है, कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें जॉब पर क्यों रखा था। मार्गरेट को नहीं पता, उसे समझाती है कि जब मैं यंग थी तो तुम्हारी तरह हुआ करती थी। मार्गरेट को बिलीव नहीं होता क्योंकि उसकी बॉस अब पर्टिकुलर लगती है। उसकी बॉस कहती है मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, सब लोगों को पता है कि मैं बहुत सैड हूँ, मैंने मेरी लाइफ में कितनी भी मिस्टेक की हो पर फिर भी इन लड़कियों को मैं कुछ सिखा सकती हूँ। वो मार्गरेट को कुछ सही करने के लिए इंस्पायर कर रही थी। इसके बाद मार्गरेट एक बुक स्टोर में आई, यहाँ पर एक पेंटर की बुक को देख रही थी जहाँ पर सब न्यूड्स पेंटिंग बनाई हुई थी। अचानक से यहाँ उसे यकुजा मिलता है, वो उससे पूछता है क्या तुम्हें आर्टिस्ट पसंद है, वो कहती है कि हाँ, कहता है कि मुझे भी। इसके बाद डायरेक्टली ये दोनों होटल में आए हुए हम देख सकते हैं, जैसा मार्गरेट चाहती थी उसके हाथ वगैरह बांध कर इंटीमेट होना, उसी तरीके से यकुजा उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। वो उसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं बहुत ही गलत आदमी हूँ। मार्गरेट कहती है कि मैं नहीं समझूंगी। अगले दिन जब वो अपने जॉब पर थी तो उसकी बॉस पूछती है क्या ये सब चीजें तुम्हें सिली लगती है, कहती है एक्चुअल मुझे जॉब करने में मजा आता है। उसे फ्लाइट अटेंडेंट्स को रोल प्ले कर बताना होता है, यानी कि छोटा सा बेबी और एक टेररिस्ट ये किस तरह से बिहेव करेंगे, ये सब उसे रोल प्ले कर दिखाना होता है। उसे अपने अलावा और कोई बनना अच्छा लगता है। उसका जॉब जब खत्म हुआ तो नीचे ही यकुजा उसका वेट कर रहा था, वो कहता है कि ज्यादा वरी मत करो, हम सिर्फ डिनर के लिए जा रहे हैं।
वो उसे रीजनल जापानीज रेस्टोरेंट में लेकर गया जहां पर उन्हें अपने शूज निकाल कर वैसे ही अंदर बैठना होता है। मार्गरेट ने अपने शूज निकाले पर उसके सॉक्स फटे हुए थे। पूरे डिनर तक उसे अनकंफर्टेबल ना लगे तो इसलिए यकुजा उसे एक अलग रेस्टोरेंट में लेकर आता है। वो उसे पूछता है कि तुम जापान में क्यों हो। वो कहती है मुझे अकेला रहना था। वो वैसे तो लोगों से दूर नहीं रहना चाहती, सिर्फ अपनी कंट्री से अपने सराउंडिंग से दूर रहना चाहती थी। ये बातें कर रहे थे तभी पीछे से एक आदमी ड्रंक हो गया था। वो मार्गरेट से आकर टकरा गया। इस वजह से वो जरा अनकंफर्टेबल हो गए और वॉशरूम जाकर आए। जब वो वापस आए तो शोर शराबा करने वाले लोग वहां से चले गए थे। एक्चुअल में यकुजा एक गैंगस्टर है तो उसने ही इन्हें बाहर निकाला था। वो मार्गरेट से कहता है कभी कभी लोग तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, इसी वजह से उनसे तुम्हें दूर रहना पड़ता है। ये फिर होटल में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। मार्गरेट यकुजा से पूछती है कि तुम्हें मुझ में पसंद क्या है। यकुजा कहता है तुम बहुत ही स्पेशल हो, तुम जल्दी से खुश नहीं होते तो एक चैलेंज की तरह लगता है। यकुजा पूछता है तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। वो कहती कि वही, तुम एक चैलेंज की तरह हो और मुझे चैलेंजेस पसंद है। यकुजा यहाँ उसे कहता है कि उसकी शादी होने वाली है। इसे मार्गरेट सैड हो गई थी और वहां से चली गई। नेक्स्ट दिन में मार्गरेट और उसके फ्रेंड हैंग आउट कर रहे थे। मार्गरेट कहती है मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ। उसकी फ्रेंड पूछती है क्या ये यकुजा की वजह से है, प्यार और पागलपन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। मार्गरेट कहती है कि उसकी शादी होने वाली है। उसके फ्रेंड को इसके लिए बुरा लगा। उसने कहा कि लाइफ एक राइड है, इसका तुम मजा लो। मार्गरेट को अच्छा फील कराने के लिए वो एक बार में लेकर गए। मार्गरेट को अपनी जॉब पर लड़कियों को सिखाना ये मजा आने लग गया था। जब यकुजा और वो फर्स्ट टाइम मिले थे, जो बुक वो पढ़ रही थी यही बुक यकुजा उसे गिफ्ट करता है। मार्गरेट को देखकर अच्छा लगा। इसी बुक में एक होटल का कार्ड है, यहाँ पर जाकर ये उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। मार्गरेट को यकुजा एक गैंगस्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो कहती है क्या कभी तुम्हें कोई फिंगर काट कर एज अ गिफ्ट देता है। यकुजा कहता है कि अगर किसी ने गलती की और हम चाहते हैं पूरी लाइफ में उसे गलती याद रहे तो एज अ पनिशमेंट उसे उसकी फिंगर काटना पड़ता है। इसके बारे में यकुजा ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। वो मार्गरेट से पूछता है तुम्हारी फैमिली कहाँ है। उसकी मदर और फादर इन दोनों की डेथ हो चुकी है। उसका एक ब्रदर है जिसे अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देती है, जो पास रहे अपना कहे ऐसा उसके लिए कोई भी नहीं है। उससे पूछती है क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो। यकुजा कहता है कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लाइफ में कभी भी अकेला नहीं रह सकते, लोग कम्युनिटी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसने शादी की है। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट हो गए। यकुजा उससे पूछता है तुम्हें बेड में इस तरीके के गेम्स खेलना क्यों अच्छा लगता है। वो कहती है यही चीजें हैं जो मुझे एक्साइट करती है। नेक्स्ट दिन में मार्गरेट अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही थी। इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है लियाम, उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर आई। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही क्यूट थी। मार्गरेट इन्हें देखकर इनका मजाक लेने लग जाती है। अगले दिन जब वो काम पर आ रही थी तो बाहर ही यकुजा खड़ा था। उसे कहता है कि चलो हम कहीं चलते हैं। मार्गरेट को जॉब पर जाना था, वो नहीं आ सकती थी। कहती है क्या हम कल नहीं जा सकते। पर यकुजा जिद करता है तो अपना जॉब डिच कर वहां से चली जाती है। उसके कुछ स्टूडेंट्स ने ये सब देख लिया था। ये दोनों ट्रेन से एक जगह पर जा रहे थे। यकुजा ने अपने बचपन की कुछ फोटोज उसे दिखाए। मार्गरेट को ये बहुत क्यूट लगती है। इसके बाद एक टेंपल के ऊपर एक ब्यूटीफुल से नजारे के सामने उसे लेकर आया। यहाँ पर एक दूसरे को किस करते है। इसके बाद एक टेंपल था जिसे कहते हैं कि बुद्धास रूम। इस डार्क रूम में एक साइन बना हुआ था। यकुजा मार्गरेट से कहता है यहाँ आने से तुम फिर से रिबॉर्न होती हो, तुम्हारी पास्ट लाइफ से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। नीचे आने के बाद उसने उसे पूछा तुम्हें किस तरह से फील हो रहा है। मार्गरेट को वैसे कुछ अलग फील नहीं हो रहा था। यकुजा कहता है तुम्हें ये बाद में रियलाइज होगा। ट्रेन में मार्गरेट को नींद आ गई थी। वो जब नींद से उठी तो यकुजा उसका जैकेट उसके पास छोड़कर वहां से चला गया था। जैसे कि हमने देखा कि मार्गरेट कल अपना जॉब डीच कर वहां से भाग गई थी। इस बात से उसके बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। उसने मार्गरेट का जॉब एक अलग इंस्ट्रक्टर को दे दिया है, वो उसे आकर फायर कर देती है। मार्गरेट कहती है कि मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ, बेटर बन सकती हूँ। उसकी बॉस कहती है कि तुमने मुझे नहीं तुम्हारी स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट किया है, उसे सही नहीं लगता। उसने मार्गरेट को कहा तुम्हें बेटर बनना है तो कहीं और जाकर बनो। मार्गरेट बहुत रोती है। कुछ दिनों से यकुजा ने भी उसे कॉन्टेक्ट नहीं किया। एक दिन उसकी फ्रेंड उसके पास आई हुई थी, वो अमेरिका वापस जा रही थी। मार्गरेट को बहुत बुरा लगा। कहती है कोई भी अच्छी चीज कभी भी हमारे पास नहीं रहती, सब अच्छी चीजें कभी ना कभी
सब चीजें कभी ना कभी खत्म होने वाली है। मार्गरेट फिर अपने फ्रेंड के साथ लास्ट टाइम बार में आई। मार्गरेट ने उसे पूछा, तुमने मुझे एज अ फ्रेंड क्यों चूज किया था? उसकी फ्रेंड कहती है, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। फर्स्ट, जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। दूसरे, जो सब कुछ छीन लेते हैं, एक हंटर की तरह होते हैं। जब मैंने तुम्हें देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम एक वुल्फ की तरह हो, एक हंटर हो। आज रात मार्गरेट एक रैंडम आदमी के साथ इंटीमेट हो गई। अगले दिन जब वो स्ट्रीट पर थी तो उसने योकुजा को नोटिस किया। योकुजा अपनी पूरी फैमिली के साथ था। उसने यहाँ उसकी वाइफ को भी देखा। जब उसकी फैमिली चली गई तो उसका वो पीछा करती है। योकुजा एक बिल्डिंग में इंटर हुआ था और मार्गरेट उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाती। वहीं पर नीचे बैठकर रोने लग जाती है। योकुजा ये सब चीजें अपने कैमरे से देख रहा था। उसके पास आता है, वो कहता है, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मार्गरेट कहती है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट बन सकती हूँ। वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है। ये दोनों फिर इंटीमेट हो गए। मार्गरेट ने यहाँ आई लव यू कहा। योकुजा को बहुत अच्छा लगता है। आज योकुजा ने जो भी किया इसका उसे बहुत पछता होता है। मार्गरेट को यही रहना था, उसे जॉब नहीं थी। एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर उसे स्ट्रिप करना पड़ेगा वहाँ वो जॉब ले लेती है। फर्स्ट नाइट वो जॉब पर आई वो उसे सही नहीं लगा। वो खुद ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। सुबह तक बाहर ही रही और एक जगह पर बहुत रो रही थी। हमने देखा था कि उसके फ्रेंड फिल की गर्लफ्रेंड थी, उसने उसे नोटिस किया। उसे ब्रेकफास्ट के लिए बाहर लेकर आती है। मार्गरेट उसे कहती है, कभी कभी मुझे सिर्फ अकेला रहना पसंद आता है। आज रात भी वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई। सिटी में एक जगह पर पोस्टर लगा हुआ था, कुछ लड़कियां स्ट्रीट से मिसिंग हो रही थी। मार्गरेट आज भी ड्रंक थी। मूवी के फर्स्ट में हमने जो सीन देखा था जिसमें मार्गरेट को एक स्ट्रेंजर अप्रोच करता है, उसे कहती है कि मुझे होटल लेकर चलो। ये स्ट्रेंजर बहुत ही अजीब लग रहा था। मार्गरेट उसे बताती है उसे सबमिसिव होना पसंद है। वो आदमी फिर उसे बेड से बांध देता है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये सब करती हो तो स्पेशल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि मुझे इस तरह के होटल्स पसंद है। वो जब यंग था तो एक लड़की को लेकर यहाँ आया करता था। वो दोनों मास्क पहनते थे। मार्गरेट से कहता है, कभी कभी लोग उनके रियल फेस के पीछे बहुत ही घटिया होते हैं। मार्गरेट को रियलाइज हुआ कि शायद ये रात उसकी आखिरी रात है। उसे फिर से बुद्धा का टेम्पल दिखा। उसे लगा कि वो फिर से रिबॉर्न हो रही है। वो आदमी उसे मार ही डालने वाला था तभी वहां पर योकुजा आ गया। वो मार्गरेट को बचा लेता है। वो बिलीव नहीं कर पाए कि यहाँ एक्चुअल में योकुजा था। वो उसे पूछती है, या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? योकुजा अभी भी उसके लिए केयर करता है तो हमेशा उस पर वो नजर रख रहा था। मार्गरेट कहती है, तुम एक कावर्ड हो। योकुजा भी ये मान लेता है क्योंकि वो मार्गरेट से सही से प्यार नहीं कर सकता। मार्गरेट को अभी अभी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है तो डिसाइड करती है कि अपनी लाइफ को फिर से सही तरीके से जिएगी, वो चेंजेस लाएगी। तो इसी वजह से वो फिर से अमेरिका जाने वाली है। जाते जाते योकुजा को कॉल करती है, कहती है, तुम सही थे, बुद्धा के टेम्पल में जाने के बाद मैं फिर से रिबॉर्न हुई हूँ। अपनी फ्लाइट में मार्गरेट ने अपनी स्टूडेंट को देखा जो फ्लाइट अटेंडेंट बन चुकी है। उसे बहुत प्राउड महसूस होता है। वो जो काम करती है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। मूवी के फर्स्ट में उसने जो डायलॉग कहा था वही डायलॉग वो फिर से कहती है पर एक एडिशन के साथ। मुझे लगता है कि कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। लाइफ में चीजें होती रहती है जो बहुत ही मेसी है, कुछ भी सेंस बना नहीं पाती। लोग उनकी लाइफ के अलग अलग इवेंट्स को जोड़ते रहते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, पर ये सब मैटर नहीं करता। अगर हम नोटिस करें तो ये सारी चीजें बहुत ब्यूटीफुल है। जो भी लाइफ में होता है इसमें हम ब्यूटी ढूंढ सकते हैं। मार्गरेट अपनी लाइफ में पूरी तरीके से हार चुकी थी। उसे योकुजा से प्यार हुआ पर उसे वो भी नहीं मिला। नियर डेथ एक्सपीरियंस होने के बाद उसे अपनी लाइफ चेंज करनी है। जब उसने अपने स्टूडेंट को एज अ अटेंडेंट देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि उसके बॉस ने कहा था कि मैंने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक की है पर इन मिस्टेक से मैं कुछ सिखा सकती हूँ। यही चीज आगे चलकर मार्गरेट करेगी। उसकी लाइफ में जो भी चीजें होती है इसमें उसने ब्यूटी ढूंढ ली है। इसे एक पॉजिटिव मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।